बिहार के मधुबनी में एक बार फिर से चोरों का तांडव देखने को मिला है, जहां एक ही रात में चार चार घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र में एक ही रात में लगभग चार घरों में चोरी की गई, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया है। दरअसल स्थानीय थाना क्षेत्र के बेता परसा में अज्ञात चोरों ने एक ही रात में चार चार घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद चोर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने करीब 4 लाख रुपए की चोरी की है। हैरत की बात यह है कि पूरी रात चोरी की घटना को अंजाम देते हुए वो फरार हो गए और पुलिस सोती रही। वहीं जिस शख्स के घर में चोरी हुई है उसने बताया कि चोरों ने गहना जेवर समेत रुपए भी गायब कर लिए हैं। लगभग 80,000 रुपए की चोरी हुई, साथ ही गहना भी लेकर फरार हो गए। वहीं लोगों का कहना है कि क्षेत्र में आए दिन हर बार ऐसी आपराधिक घटनाएं होती रहती है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं करती। इसीलिए हमारा पुलिस प्रशासन से भरोसा उठने लगा है और हम दहशत में बने हुए हैं। अध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। कई बार कई आदमी चोरी हुआ, कितनी बार शिकायत हुई जी। और रात जो हुआ है, एक रात में चार घर में गया और उसका कर यहाँ तो पता नहीं चला। और चौकीदार का जो होना चाहिए गांव में, वो गांव में नहीं होकर के उसका दूसरी जगह ड्यूटी है, इस पंचायत से हट करके दूसरे पंचायत में। तो जो पंचायत का चौकीदार है, कम से कम उस पंचायत के चौकीदार को उस पंचायत में ड्यूटी होनी चाहिए। तो इसीलिए हम थाना अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि हमारा जो चौकीदार है बेता परसा पंचायत का, उसको बेता परसा में ही उनका ड्यूटी होनी चाहिए और उनका दिया जाए कि गांव कम से कम सुरक्षित हो। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम अब्दुल सुभान उर्फ सितारे, हम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हैं JDU के। तो और हमारा मकान यही है। तो ये चीज़ हम थाना अध्यक्ष जी से फिर से ये आग्रह करेंगे कि हमारा जो पंचायत का थाना ये चौकीदार है, उसको हमारे पंचायत में ही रहने दिया जाए। हमारे गांव का जो चौकीदार है उसको दूसरे गांव में उसकी ड्यूटी पिपरौन में लग जाती है, तो गांव पूरा खाली हो जाता है। काफ़ी घना आबादी है गांव का, तो एक घर में चार चार बार चोरी हुआ और कहीं पता नहीं चल पाया, ये बहुत बड़ी बात है कि चोर भी लग रहा है। साथी से कि एक ही दिन में चार चार बार चार घर में चोरी हुआ, पकड़ाया नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा क्षतिपूर्ति हुआ है। उस चौकीदार की ड्यूटी नहीं होने के कारण और फ्री हो गया ना। चौकीदार की ड्यूटी जो यहाँ का बेता परसा पंचायत का चौकीदार है, उसकी ड्यूटी पिपरौन में लगी हुई है और ये गाँव बेता परसा पंचायत पूरा फ्री हुआ। अभी एक महीना पहले जो बेता परसा पंचायत का गाँव है गिदराही, वहाँ भी एक दिन में ही चार बार चोरी हुई थी। आज ये बेता परसा गांव में भी चार बार हो गया एक ही दिन में चार घर में, बहुत बड़ी बात है ये। मान लीजिए जो हम लोग ग्रामीण हैं, चौकीदार को माने डिपुट किया गया है और यह जो है ना बोलते हैं, हम लोग बड़ा बाबू को भी फोन किए थे कि सर हमारे गांव में क्या कहते हैं चौकीदार को डिपुट कीजिए, तो बोलते थे कि पिपरौन में उसका ड्यूटी लगा हुआ, इसलिए चौकीदार भी बोलते थे कि हमको पिपरौन में ड्यूटी है। तो यह बड़ा बाबू से भी हम कहेंगे कि आप हम जो ग्रामीण चौकीदार है उसको हमारे गांव में ही रहा जाए, इसलिए कि और इस होकर रूट से जो है ना यानी बहुत लोग रात में पास होता है, यह बात हम बोले थे तब पर भी इसको संज्ञान में नहीं लिए। आप क्या कहते हैं, इससे पहले भी बोले थे, हम फोन करके ही बोले थे कि रात में देखिए इस होकर बहुत लोग पास होते हैं रात में, तब पर भी इस बात को संज्ञान में नहीं लिया था। काइंडली आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चौकीदार को कम से कम डिपुट कर दिया जाए। परवाही है, हमने खुद बोले थे चौकीदार तो बोलता है कि हमको डिपुट कर दिया है वहाँ, काइंडली इसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको फिर से पुनः यानी बहाल ग्रामीण ग्राम में कर दिया जाए, बेता परसा दास टोल या क्या कहते हैं साउ टोल हो या सेक टोल हो।